तो एक नया नया महोदय जी सांसद बने हैं। जी हाँ, देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से सांसद बने हैं और इनको बोलने का तमीज नहीं है और आके कहते हैं क्या कि कुशवाहा लोग हमको वोट नहीं किया तो उनको बुलाएंगे और साथ में बैठाएंगे और काम का बात करेंगे तो लात मारकर भगा देंगे। कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7-7 टिकट उनको दे दिया था। कमाल है भाई, 7 टिकट आपको दे गया तो आप खुश हो गए, इतने स्वार्थी हैं आप। जी हाँ, ये ऐसा आटू झाटू लोग हैं जो कि आकर अपने समाज और कुशवाहा समाज के बारे में इस तरीके का बात बोलते हैं और अपना समाज चुपचाप सुनता है और चुपचाप रहता है। और किस तरीके से जदयू कहते हैं ना, जदयू जी हाँ नीतीश कुमार जी का पार्टी है और इनका का नाम क्या है, 2000 जब से ये चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री बने हुए हैं तब से का नाम है कि लोग उसका समीकरण लेके चल रहा है। क्या लोग उसका समीकरण लेके चल रहा है, जो आपका सांसद महोदय है वो कहते हैं कि कुशवाहा लोग को बैठेंगे साथ में चाय पियेंगे लेकिन उनका काम नहीं करेंगे, चाहे कुशवाहा लोग मरते रहेंगे, चाहे भूखे मरेंगे, चाहे रोजगार नहीं देंगे, जो भी फंड आएगा उसमें से काम नहीं दिया जाएगा, इस तरीके का बयानबाजी करते हैं। और इनको सांसद बना गया दिया गया है जिनके संविधान के बारे में 1% का ज्ञान नहीं है और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इनको इतना भी नहीं पता। और इनको जैसे आदमी को जदयू के तरफ से सांसद बना दिया जाता है और बीजेपी में जाके इनको रख लिया जाता है। जी हाँ, आपका बीजेपी वाले का तो काम है गुंडे मवाली को रखना, पर अनपढ़ गंवार को भी रखना बंद कीजिए। देश को चलाना है, इस आपके राज्यों के जिस जहां से संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव लड़े हैं उसको चलाना है, उसको गुंडागर्दी में नहीं झोंकना है। और जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कि यादव मुसलमान और कुशवाहा, कुशवाहा लोग के बारे में तो कह रहे हैं कि बोलो कि RJD वालों ने ना सीट दे दिया ना 7 को, तो इसीलिए इनका मन बहल गया तो ये हम लोग को वोट नहीं दिए लेकिन इन लोग का काम भी नहीं करेंगे, इस तरीके से खुलेआम मंच पर आके बोलते हैं। और आप लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं कुशवाहा समाज के लोग कि जदयू का पार्टी लोग उसका समीकरण है, हम इनको जिताएंगे और फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ये आपका गलत सोच है कि आप अपने जाति को अपने समाज को गाली सुनवा रहे हैं और सुनवाने के बाद ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। और एक बात बताइए कि वहाँ पे जितने भी कुशवाहा लोग हैं जितने भी है, क्या आप लोग फिर विधायकी के इलेक्शन में उनको वोट कीजिएगा, जदयू को आप लोग उनको सपोर्ट कीजिएगा, फिर से मुख्यमंत्री बनाइएगा कि इनको, तो नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार जी क्या किया है कुशवाहा के लिए जरा हमको बताइए। लोग उसका समीकरण लेके चलते हैं, पर एक बात ध्यान रखिए कि लोग उसका समीकरण में ही उपेंद्र कुशवाहा जी पर लाठीचार्ज हुआ था 2019 में, ये बात नहीं बोलिएगा कि पटना में उनको गिरा कर मारा गया था और किनका सरकार था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और कुछ लोगों को लग रहा है कि सरकार में एक सीट दे देने से कुशवाहा का सब वोट उनको चल जाएगा, तो ये भूल है। और इस बार अगर आप लोग नहीं दिखाते हैं कि किनको मुख्यमंत्री बनाने लायक है और ये बदलाव जरूरी है यहाँ पे बिहार में खास करके, क्योंकि देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के जो सांसद महोदय जी है वो इस तरीके से बयानबाजी करते हैं और नीतीश कुमार जी कहते हैं ना हमारा जो पार्टी है वो लोग उसका समीकरण लेके चलता है। और सुन लो, जो तुम बोले हो ना कि कुशवाहा को जो है कि हम काम नहीं देंगे उनको रखेंगे नहीं, तो एक बात ध्यान रखो कि 2025 में पलड़ा साफ है और तुम भी बहुत जल्दी रोड पे आओगे, क्योंकि तुम्हारा बोलने का तरीका और तुमको संविधान के बारे में पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी नहीं है और बन जाते हो सांसद महोदय और आके डायरेक्ट मंच से बोलते हो कि अगर यादव आपको मुसलमान और कुशवाहा हमारे पास आता है तो चाय पिलाएंगे, पर अगर काम का बात करेंगे तो लात मार के भगा दिए जाएंगे। इस तरीके से गुंडागर्दी आप तो मरवा भी सकते हो, अब तो सांसद महोदय उस क्षेत्र का, वहाँ के जो यादव होंगे वो मुसलमान होंगे कुशवाहा होंगे उनको तो मरवा भी सकते हो आप, आपका जिस तरीके से बिगड़ा बोल है उससे तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट गुंडा राज चला रहे हो और ऐसे भी बीजेपी ऐसे ऐसे लोगों को सीट देती है, ऐसे ऐसे लोगों को सीट देती है जिनको नहीं संविधान के बारे में जानकारी हो, नहीं पढ़ाई के बारे में जानकारी हो, सिर्फ और सिर्फ हाँ दारूबाज और लौंडियाबाज को सीट दे दिया जाता है कि हाँ बुढ़ाओ पैसा और वोट मांगो, इधर गुंडागर्दी करो, इसके सिवा और कुछ नहीं। आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ा भी लगता होगा ना कि बीजेपी या जदयू चाहे RJD जो गलत कर रही है तो 2025 में आप मुंहतोड़ जवाब दीजिएगा पार्टी को, अगर नहीं देते हैं तो बस ऐसे लगे रहिएगा, बस जब कोई मैटर आता है तो उस पर एकदम 10 दिन तो सोशल मीडिया भर देते हैं कि यार कुशवाहा के बारे में ये बोल दिया वो बोल दिया ये कर दिया, और वही 10 दिन बाद फिर मैटर शांत हो जाता है, फिर एक पार्टी को बीजेपी के सपोर्ट करने चल देंगे, फिर जदयू के सपोर्ट करने चल देंगे। इसके कारण से आप लोग का क्या है और क्या मंत्रिमंडल में मिला है सीट, क्या संसदीय में बीजेपी वाले दिए हैं, ये चीज आप लोग को जानने का जरूरत है और ये भी जानने का जरूरत है कि कौन कैसा गेम खेल रहा है अपने समाज के साथ, ठीक है। और जिस तरीके से वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, वीडियो को सभी तक पहुंचाइएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।